स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। तो फ्रेंड्स, मैं मनीष आर्य आज सो फिर आप लोग के लिए करंट अफेयर लेके आया हूँ। वो फ्रेंड्स फेब्रवरी का करंट अफेयर 2021 का है और ये ताबड़तोड़ रिवीजन वन लाइनर है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए इजेरिया का, तो मैंने आपका मॉक टेस्ट जो प्रैक्टिस वन से लेकर 16 तक था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और आप लोग का फ्रेंड्स उसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और फ्रेंड्स आज हम लोग ये जनवरी का करंट अफेयर क्लियर कर लिए हैं, अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे फेब्रवरी का करंट अफेयर ये वन होगा और यही क्लास में निपटारा एडिटोरिया का। तो ये एडिटोरिया का करंट अफेयर है एक ही क्लास में आज कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फेब्रवरी का, और याद रखिए फ्रेंड्स, ये एडिटोरिया का जो करंट अफेयर है ये वन लाइनर वही करंट अफेयर है जो आपके एग्जाम पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज बने रहिए अपने न्यू चैनल पीसीएस मेकर पे, और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है ना फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश एसआई और बिहार एसआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनटीपीसी सीजीएल ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पॉइंट पे और देखते हैं कि आज का हमारा पॉइंट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फेब्रवरी 2021 का करंट अफेयर है, और थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम के कारण आप लोग का वीडियो कल मैं प्रोवाइड नहीं किया था, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं आज आप लोग का वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, देखिएगा। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव में 20 राज्यों के आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति याद रखिए कौन है, तो हमारे एम वेंकैया नायडू हैं, और ये नई दिल्ली में ये दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया, मतलब कौन करेंगे, तो याद रखिएगा एम वेंकैया नायडू करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इस समारोह में 20 राज्यों को आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे, और इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसने किया एयरो इंडिया 2021 का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, कहाँ पर, बेंगलुरु में, और इसका थीम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसका थीम, क्योंकि आपके एग्जाम में थीम बहुत अच्छे से पूछते एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा चौरी चौरा में चौरी चौरा शताब्दी का उद्घाटन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के श्री विल्लेपुथुर मेगामलाई को तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसको, तो तमिलनाडु के श्री विल्लेपुथुर के मेगामलाई को तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसे शामिल किया गया है, तो कोबरा को, कहाँ पे, तो 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी में। तो ये इम्पॉर्टेंट है फिर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्था बंगलुरु में किया गया है, और प्रारंभ 8 फरवरी से होगा। तो याद रखिएगा ये बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गई है। ऋषि गंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषि गंगा लघु पनबिजली परियोजना तथा धौली गंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से, याद रखिएगा कि टूटने से ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि असम माला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों की बेहतर बनाने के लिए असम माला योजना प्रारंभ की गई है, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह जिले के पूरा गांव में स्थापित की जाएगी। इसके लिए लद्दाख प्रशासन ONGC एवं लद्दाख स्वस्थ पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत संचालित 263 आवासीय स्कूलों छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय करने का निर्णय लिया गया है। तो ये किनके नाम पे रखा जाएगा, तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ये किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री याद रखिएगा जो हमारे पहले पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान अभी हाल ही में इन्हें नया जो केंद्र सरकार जो नियुक्त किए गए हैं तो वो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं। कौन, तो धर्मेंद्र प्रधान बने हैं जो हमारे पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम मंत्री। नेक्स्ट है पॉइंट आपका कि भारत का पहला खिलौना मेला 27 जनवरी से 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया गया है, ठीक है। एक बार पॉइंट को बस रीड कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना छूटे क्वेश्चन, इसीलिए मैं आप लोग को ये एडिटोरिया का क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसे बेल्लोरी जिले से अलग कर बनाया गया है और इस जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा होसपेट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक का 31वां जिला कौन बनाया, तो विजयनगर, और इसे बेल्लोरी जिले से अलग कर क्या बनाया गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 फरवरी 2021 में प्रारंभ किया गया है, ठीक है, और उद्देश्य क्या है, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में किया गया, और इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में इसकी शुरुआत की गई है, कहाँ पे की गई है, तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में शुरुआत, इसकी उद्देश्य क्या है, तो उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश पेपरलेस यानी कि कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो यूपी जो है वह पेपरलेस कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, तो ये भी फ्रेंड्स आप लोग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अहमदाबाद गुजरात का मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा जो स्टेडियम अपने भारत में बना, अपना भारत देश में बना है, और ये गुजरात के अहमदाबाद में बना, ठीक है, और इसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद यानी कि हमारे राष्ट्रपति किए हैं, ठीक है, ठीके? और इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम के से बदलकर, इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम था लेकिन बाद में इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, और इसमें 1.1 लाख दर्शकों को बैठने की क्षमता है, और इसका निर्माण लॉर्सन एवं टूर L&T कंपनी के द्वारा किया गया है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन 21 फरवरी को नई दिल्ली में किया, याद रखिएगा हुनर हाट का संस्करण का उद्घाटन किसने किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि असम के मुख्यमंत्री सर्वानंदा सोनवाल ने दरभंगा जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, और इस विश्वविद्यालय में 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य चंडीगढ़ बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो याद रखिए चंडीगढ़ बना है, ठीक है। और यह व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा आकलन करने में मदद करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एमपी के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, और वहाँ के जो होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कंछोत महोत्सव जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी घाटी क्षेत्र में मनाया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फरवरी 2021 में केरल के किचोकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम और जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो केरल के कोझीकोड में की गई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के धार जिले में फरवरी 2021 में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना बालासोर ओडिशा में करने की घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने की है, ठीक है। आगे पॉइंट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखिएगा कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि मिशन इंद्रधनुष 3.0, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष 3.0 को शुरुआत की है, और इसका मुख्य फोकस है बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर, इसका मुख्य फोकस किया गया है। नेक्स्ट है आपका FAO एवं आवर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर तेलंगाना को शहरी वनों को संरक्षित करने के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक भारत का एकमात्र शहर बना है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है, तो हैदराबाद को चुना गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहला है पूरे भारत का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये भी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या शून्य होने के बाद यह देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। तो सबसे पहले जो कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कोरोना वायरस से फर्स्ट जब फर्स्ट वेव आया था तब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जम्मू कश्मीर को 25 वर्षीय आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंगलापुरम केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है, तो बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति शुरू की है, इसका उद्देश्य निवेश को भी आकर्षित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंत एवं स्टेट काउंसलर आंग सान सू को गिरफ्तार कर लिया है, और सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है, ठीक है, तो म्यांमार याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया था, ये इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भरता, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। थीम है कि रेडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर, तो ये फ्रेंड्स आप लोग का थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि थीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक मैदान नदी पर सहतूत बांध
लालंदर के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अफगानिस्तान में सलमा बांध के बाद दूसरा बनाया जाने वाला बांध है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि अफगानिस्तान में सलमा बांध के बाद जो दूसरा कौन बांध बना है, तो पहला बांध का नाम क्या है, तो सलमा बांध, और दूसरा बनाए जाने वाला बांध कौन है, तो काबुल नदी के सहायक मैदान नदी पर सहतूत बांध, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का में शामिल होने का निर्णय लिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अमेरिका पुनः पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है पॉइंट कि सऊदी अरब के आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यमन के हौथी विद्रोहियों ने बम विस्फोट किया जिसमें एक विमान में आग लग गई, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो याद रखिएगा सऊदी अरब में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीरिया के सहायता अनुरोध के बाद भारत सरकार ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया है। नेक्स्ट है आपका कि सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दे दी है, तो सऊदी अरब। नेक्स्ट है आपका कि मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मॉरिशस इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, जो पहला है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि WHO की अनुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बना है तथा इस योजना के तहत COVID-19 टीका लगवाने वाला पहले व्यक्ति घाना के राष्ट्रपति नाना अफुडो एंडो बने हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है ना। तो घाना के जो राष्ट्रपति, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं घाना के राष्ट्रपति कौन है, तो नाना अफुडो एंडो बने हैं और ये पहले व्यक्ति है जिन्हें घाना में इनको COVID-19 का टीका लगा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में 770 मिलियन की गरीबी को दूर कर चीन ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा फ्रेंड्स कि डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की मंजूरी दी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा, दुनिया के पहले द्वीप ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने का अनुमति किसने दी है, तो डेनमार्क सरकार ने, और इससे हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा और उस द्वीप का आकार क्या है, तो 12,000 वर्ग मीटर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आज का हमारा, देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने COVID-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में हुई कमी कारण वर्ष 2020 को फर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है, तो देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ये थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको आप लोग रीड करते जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के कुल अनुदान में नगर पालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की है और ये 15वें वित्त आयोग के 2 अध्यक्ष याद रखिया इनके सिंह थे, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और याद रखिएगा 30% बढ़ा कितना कर दिया है, तो 40%, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि RBI द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के विषय पर जागरूकता फैलाई गई है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको भी देखिएगा कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया किसके द्वारा, तो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका कि मालदीप में चल रहे परियोजनाओं के लिए एग्जिम बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा, ठीक है। आगे आपका पॉइंट है, नेक्स्ट है आपका कि 2020 में चीन और भारत के बीच कुल व्यापार $77.7 बिलियन का रहा था, चीन भारत का 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पर्याप्त पूंजी न होने के कारण RBI ने महाराष्ट्र के शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, तो ये इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, तो शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका,
देखिएगा कि केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। तो याद रखिएगा कि 83 तेजस लड़ाकू विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ये खरीदने का क्या किया है, तो सौदा किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर पीडीएफ चाहिए ना तो आप टेलीग्राम से जुड़ के इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जनवरी का आप नहीं देखे होंगे तो आप फ्रेंड्स एडिटोरिया का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप उस वीडियो विजिट कीज करके वहाँ पे आप एडिटोरिया का जितना भी करेंट अफेयर्स टॉपिक्स वाइज और सेट है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ आप लाइक नहीं कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ अगर अच्छा लगे, थोड़ा सा अगर आप लोगों के लिए यूजफुल होगा ना, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और अपने किसी भी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता, तो प्लीज़ फ्रेंड्स बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पाकिस्तान के सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण 3 फरवरी 2021 को किया गया है, जिसका मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि गजनबी का परीक्षण किस देश में किया गया, तो पाकिस्तान में, बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका मारक क्षमता कितना है, तो 290 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एयरो इंडिया 2021 के दौरान भारत तथा इसराइल के साथ मिलकर एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। ठीक है ना, तो भारत तथा इसराइल के साथ मिलकर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चीन और अमेरिका के बाद तीसरा देश बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर क्या है तो चीन, दूसरे पर क्या है तो अमेरिका, और थर्ड पर क्या है तो इंडिया अपना देश होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि UAE का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षों में प्रवेश कर लिया है, और मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात UAE दुनिया का 5वां देश और अरब देशों में पहला देश बना है। तो याद रखिए, अरब में यह पहला बना है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, और देश में 5वां देश बना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पाकिस्तान के कराची तट पर अरब सागर में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास अमन का आयोजन किया है, और जिसमें 46 देशों को ने भाग लिया है, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितने देशों ने भाग लिया, तो 46 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पाकिस्तान ने बाबर नामक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो किस क्या नाम है, तो बाबर नामक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल पाकिस्तान ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है, किसने, तो इसरो ने, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष 2022 में इसरो के द्वारा किया जाएगा, और इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, लैंडर और रोवर को भेजाएगा और यह इसरो के द्वारा होगा, चंद्रयान 3। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसरो ने PSLV-C51 के द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। तो याद रखिएगा कि इसरो ने PSLV-51 के द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को, ये श्रीहरिकोटा याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि हरिकोटा में से प्रक्षेपित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और यह भारत सरकार की कंपनियों न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का पहला समर्पित वाणिज्य मिशन था। ठीक है, और एक नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी गई है तथा भागवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी साथ भेजी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम बांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। तो याद रखिए, किसने किया है, तो भारतीय सेना, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम बांगचुक ने।
नेक्स्ट है आपका कि पड़ा बैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल वायल की विश्व की पहली खेप को प्राप्त की है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो याद रखिए कौन सा देश, तो भारत। कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आज आपका, तो फ्रेंड्स आपका ये फरवरी का जो करंट अफेयर्स था वो एडिटोरिया का वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आप फ्रेंड्स अगर जनवरी वाला करंट अफेयर्स नहीं देखे होंगे ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक बार रिवीजन करने के लिए ना एक बार वीडियो को जरूर देखिए प्लीज़। एक बार अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, MTPC हो या MTS हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या CGL हो या BPSC लेवल तक अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार इस वीडियो को देख के एग्ज़ाम देने जाएगा। विश्वास कीजिए कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर करंट अफेयर से आया तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर कोई भी ग्रुप हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप एडिटोरिया का यहाँ पे जो PCS मेकर में प्लेलिस्ट एडिटोरिया का बना हुआ है उसको आप विजिट कीजिए, आपको उसमें बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। प्लीज़ एक बार इसको वीडियो को प्रोवाइड कीजिए क्योंकि एडिटोरिया का करंट अफेयर बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, यानी कि मार्च वाले करंट अफेयर के साथ, क्योंकि ये आपका चल रहा है ताबड़तोड़ रिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पेयर एडिटोरिया के नाम जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।